हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुखमित। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रहा है, तो सभी को जय माता दी दी। आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन हम लोग ने प्लान बनाया है कुछ दोस्तों के साथ रतनपुर माया मंदिर जाने के लिए, जो यहाँ का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और गौरवशाली मंदिर है। कहा जाता है कि 91 माता सती की 91 शक्तिपीठ में से एक वो मंदिर है महामाया मंदिर। तो वहीं चलते हैं आज दर्शन करने के लिए। आप लोग को भी कराते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे वीडियो में और माता रानी का दर्शन प्राप्त करें। और आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए चलते हैं, मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, माता रानी का दर्शन करते हैं। बोलते हैं जय माता दी। कहाँ जा रहे हो शिव? बाहर। कहाँ बाहर कहाँ जा रहे हो? क्या खोले? घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घूमने। वहाँ भगवान जी को जय जय करोगे? जय कर दो। कैसे जय करोगे? जय। और ये क्या है आपका? ये भगवान जी है। ये भगवान जी है, गुल्लक है। अजय डांस करके दिखा दो। हाय, हम लोग माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं बच्चों बच्चों के साथ। इधर ही फैमिली है, फैमिली लोग के साथ। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों, हम लोग साथ में सब मंदिर पहुंच गए हैं। ये मंदिर का पीछे का तालाब है, जो इसमें बहुत सारी ढेर सारी मछलियां हैं, छोटे बड़े। और बाकी हम सब बहुत खुश हैं कि सही टाइम पे मंदिर पहुंच गए और माता रानी का दर्शन होगा। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि नवरात्रि में माता का दर्शन करने को उनको मिलता है। तो जय माता दी। हम लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ मंदिर पीछे साइड निकले हैं, जहाँ आपके पूरे माता का स्वरूप मिलेंगे, जो बहुत ही भव्य दिख रहे हैं दिखने में। और काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। जल्दी जल्दी सब दर्शन किए और बाकी जो चढ़ाने का रहता है सब जल्दी जल्दी चढ़ा के प्रसाद ले साल लिए। और ये रहे हमारे महादेव, बोलो हर हर महादेव। ये रहा ज्योति कलश, जो अपने नाम के सब दिए जलाते हैं, अखंड ज्योत पूरे नवरात्र भर जलते हैं। यहाँ पे आके इनके पैसे रहते हैं, घी के दिए या तेल के दिए जला पैसे दे के आप अपने नाम का ज्योत जलवा सकते हैं। कहते हैं ज्योत जलाने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है और सबका कार्य संपन्न होता है। तो माता रानी सब पे कृपा बरसाए रहें। जय माता दी। और यहाँ से देखिए माता रानी के दिव्य स्थल को, जो कितने ही ज़्यादा सुहावन और प्यारे लग रहे हैं, जैसे मानो उन्हों सारी इरी भक्त जन यहीं आ पड़े हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब वहाँ देखिए, जहाँ हमारे महादेव बैठे हुए हैं, पूरी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पे तीर्थ स्थल पे। और यहाँ पे दुकानें भी खूब ढेर सारी लगी हुई है, जो आप पूजा का सामान प्रसाद और सिंदूर रोरी रोरी और महामाया माता की प्रतिमाएं खरीद सकती हैं ती हैं, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं महादेव के दर्शन करके आते हैं। बोलो एक बार हर हर महादेव। ये देखिए मन्नत स्थल है यहाँ पे, जो पूरे नारियल चुनरी बांधे हुए हैं। सब कहते हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मानो पूरी हो जाती है।
नारियल चुनरी में लपेट के मन में सच्चे मन से मन्नत मांगते हुए नारियल चुनरी को बांधे और कहते कि जब मन्नत पूरा हो जाए तो यहाँ दीप स्थल पे आके कोई भी एक नारियल खोल दे दे दे। देखिए कितने भव्य दृश्य लग रहा है यहाँ का। अब दर्शन अच्छे से हो गए, अब यहाँ बच्चों को भूख लग गई है, उन लोगों को कुछ चाहिए तो एक आइसक्रीम दिखा तो सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, इनफैक्ट बड़े भी खा रहे हैं आइसक्रीम, केवल मैंने खा रही क्योंकि मेरा 9 दिन का व्रत चल रहा है तो अभी 9 दिन पूरा हुआ नहीं है। तो यहाँ भाभी लोग हमें चिढ़ा भी रही हैं, खा ले कह रही हैं, लेकिन मैं खाऊँगी नहीं, बस माता रानी की कृपा बनी रहे। यहाँ लौटते समय यहाँ प्रसाद मिलता है तो आप यहाँ से माता रानी का प्रसाद ले सकते हैं जो सारे भक्तगणों को मिलता है। यहाँ बच्चों के लिए पार्क भी है जो बच्चे काफी खुश हो गए पार्क को देख के। हो गया। हेलो दोस्तों, फाइनली दर्शन हो गए, हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलते हैं भैरव बाबा दर्शन करने के लिए, तो आपको वहाँ मिलते हैं। बाय बाय, जय माता दी, जय माता दी, चलते हैं भैरव बाबा के पास। जय माता दी, जय माता दी। दर्शन के लिए पहुंचे लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम आपको बता नहीं सकते। बच्चे भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनको वो भी थक चुके थे, तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस वहाँ पे गए, भगवान जी का हाथ जोड़ा, उसके बाद तुरंत हम लोग वापस लौट गए। काफ़ी कड़ी धूप भी हो गई थी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बच्चे भी परेशान हो चुके थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी घर के लिए वापस लौट आए। आज हम लोग ग्रुप में सब लोग ग्रुप में बाहर गए थे दर्शन करने के लिए। आप प्लीज़ कमेंट में करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उस पर क्लिक करना जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।